नमस्कार ट्विन सिटी टॉप खबर सह बारवाटी धौली एक्सप्रेस आरंभ करने खबर यात्रा किंतु आगे जा पूर्व प्रथम देखने आसतु कौन रही वर्तमान हेडलाइंस कमिश्नर पुलिस निशा बेपारी घरे चढ़ऊ भुवनेश्वर सालिया साहि रेड घरे घरे पशि विपुल देशी मद जबत हजार हजार लिटर पोचो नष्ट लोकों टंका दे घर बांटा घटना पूर्वतन बीजेडी कॉर्पोरेटर स्वामी राजाकरण गिरफ 15 लाख टंका सह बहु जाली कागज पत्र जबत ऑटोरे आसिले बुलेट लुटी नेले हेलमेट भी छाड़िले नी लुटेरा विलंबित राति में होता चोरीर दृश्य सीसीटीवी कैद मंचेश्वर थाना अभियोग भुवनेश्वर 3 अंतराज्य ठक गिरफ चंद्रशेखरपुर पुलिस सहायतार ठक को गिरफ कला बेंगलुरु पुलिस सरकारी संस्था चाकरी कराइबा ना 20 लाख ठके अभियोग अभियुक्त मध्यरे जड़े ओडिया विद्या और ज्ञान अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती पूजा स्कूल कॉलेज सह विभिन्न पूजा मंडप और शिक्षानुष्ठान माँ बीणापाणी को आराधना कोरोना कटकणा भितर पूजा पाउछंती माँ निशा बेपारी घरे चढ़ाऊ करी कमिश्नरेट पुलिस भुवनेश्वर सालिया साहि हो चढ़ाऊ घरे पशि देशी मद ठाब कर पुलिस घटनास्थल विपुल परिमाण देशी मद जबत कर सहित हजार हजार लिटर पोचो को नष्ट कर पुलिस पुलिस ढाड़ीदेला 10 हजार लिटर मद सालिया साहि अकस्मत चढ़ाऊ मद भाटी भांगा पुलिस घरे घरे मद रोसई चलता बेधड़क बिक्री होता हठात पूरा फोर्स रेड मारा पुलिस घरे घरे पशिला मद हांडी भांगा प्राय 10 हजार लिटर चाउलिया और देशी मद ढाड़ीदेला पुलिस 100 रु अधिक मद रखा जाता हांडी भांगा सह 200 रु अधिक हांडी जबत कर किछि लोक घर बंद कर फेरार हो जाता बेले आजबेस्टस भांगी घर पशिच पुलिस आम अद्यावधि 10 जन घर रेड कर सारी प्राय एवं सुधा आम प्राय 6 हजार लिटर अधिका जो चाउल थी आम डिस्ट्रॉय कर जी इंस्ट्रूमेंट थी जो मेकिंग इंस्ट्रूमेंट आउ इक्विपमेंट थे सीज करेंट्रॉय कर आम आज 6 जन को डिटेन रखीचु जो मैंने कि इलिसिट डिस्टिलेशन रे इनवॉल्व थे आम एक्साइज एक्ट अनुसार फॉरवर्ड करा हबो दीर्घ दिन हला सालिया साहिरे चलीथिला बेआईन मद व्यवसाय बारंबार अबकारी विभाग चढ़ाऊ पर भी यह बंद हो नथिला आज पुलिस मद तैयारी करथुबा और बिक्री करथुबा 6 जन को गिरफ्त करछि आगकु घरे मद तैयारी करागले घर भंगा जीव बोली चेतावनी देछि पुलिस सेपटे रोजगार पाई कोनोसी कामधंदा नथिबारु गिरफ कले भी व्यवसाय करिवि बोली रोकटक सुनाइछन्ति स्थानीय महिला 2 वर्ष धरे शटडाउन लॉकडाउन करलाने आ आमे कोठ कोन काइथंतु पिलाटो पाठ पढ़ी से भल भल जीन्स खोजे भल भल मेस रही है सर टाँग कौट पाइबे सर नष्ट करा आम न पीले तो सर आम रही पार्बुन जन्म है मरण है निशा कारबार रोकवाई कमिशनरेट पुलिस जोरदार प्रयास जारी रखा बेले पुलिस को चकमा दे राजधानी बेधड़क भाव चली निशा कारबार भुवनेश्वर रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज राजधानी में लुटेरा आतंक अटोरे आसिले बुलेट लुटी ने विलंबित राति में 2 लुटेरा आसी बुलेट लुटी ने दृश्य सीसीटीवी रे कैद होती विजुअल जड़े व्यक्ति बाहर अपेक्षा करते जड़े पटिक भितर पशि बुलेट्र लक भांगी लुट कर बुलेट एपरिकी गला बेले हेलमेट भी छाड़नी लुटेरा मंचेश्वर थाना अभियोग कर बुलेट मालिक
भुवनेश्वर बेंगलुरु पुलिस स्वतंत्र टीम चंद्रशेखरपुर थाना सहायतार तीन जन को गिरफ कर बेंगलुरु पुलिस 20 लाख टंका ठकई अभियोग बांधि पुलिस गिरफ तीन अभियुक्त मध्य दुई अणओिया और जड़े ओडिया रही उनारू सॉफ्टवेयर कंपनी रे चाकरी कराई देवा कही ठके होइतिबा अभियोग होइछि। बेंगलुरु पुलिस पई 2018 मसीहारु एई तीन ठक थिले मोस्ट वांटेड। चंद्रशेखरपुर पुलिस गिरफ पर ठकंको बेंगलुरु पुलिस को हस्तांतर करिछि। तीन अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड रे नेबा बेंगलुरु पुलिस। तीन अभियुक्त हेले अभिषेक महांती, कालीप्रसाद रथ और अभिजीत अरन नटक। कटक महानगर निगम 53 नंबर वार्ड अंदरपुर सरकारी घर बिक्री अभियोग बंधा होती पूर्वतन बीजेडी कॉर्पोरेटर स्वामी। घटनार उच्चस्तरीय तदंत दावी करिछंती विरोधी बीजेपी और कांग्रेस। आज राजा घर सर्च कला बेले 15 लाख टंका सह अनेक जाल कागजपत्र जबत हो। टा बदल घर बांटि राजा करण पछरे किए कहा इशारे होार्जानुष्ठान सीएमसी रेव अधिकारी संपृक्त। 53 नंबर वार्ड अंदरपुर सरकारी घर जालियाती मामलें राजा विरोध में रास्ता को ओल्लाई विरोधी बीजेपी अभियोग केवल राजा नुहति कटक चौद्वार पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वाल और वर्तमान विधायक सौभिक विश्वाल किसी नेता और सीएमसी अधिकारी संपृक्ति रही कोटि कोटि टंकार दुर्नीति होइथिबार घटनार उच्चस्तरीय तदंत दाबी करिछि कांग्रेस। निज विरोध में आसीथिबा अभियोग को खंडन करिबा सह 53 नंबर वार्ड पूर्वतन कॉर्पोरेटर को दल बहिष्कार बीजेडी सुप्रीमो को चिट्ठी लिखा जाइथिबा सफेई देइछंती प्रभात विश्वाल। ये बड़ नेता मंत्री सीएमसी अफिसर तथा कुजी नेता मार्धु चंद्रिका करी भलिया लोक को लुट करिबा ये बड़ दुर्भाग्यजनक विषय डिमांड होची एक कथा समस्ते जानिथिले सीएमसी भी जानिथिला तांकरी गोचर हेइथिला तेणु सीबीआई तदंत करी पूरा सीएमसी रो टिक्की निकी तदंत हजा आउरी भ्रष्टाचार भितर भर्ती हेची आ ये माने को तुरंत तांकर थैथान व्यवस्था करा जाउ आंकठारो पैसा ए बिजु जनता दल रो नेता माने नै छंती तुरंत से माने पैसा दाखल करंतु ए माने को थैथान करंतु। निश्चित भाव रे आमे तो आपन को माध्यम रे आज डिमांड करछु सीएमसी कमिश्नर को गरीब लोकंकर पैसा जहाँ जहाँ जाइए तुरंत फेरा जाऊ थैथान करा जाऊ उच्चस्तरीय तदंत करा जाऊ केवल तो कॉर्पोरेटर स्वामी नुहे स्थानीय अंचल आहुरी नेतृवृंद थे से विधायक सौभिक विश्वाल मान्यवर मुख्यमंत्री दलर सभापति को जनई प्रकार जदि जो प्रकार अभियोग आसी जो थे पुलिस अरेस्ट कर सारा तेणु से माननीय मुख्यमंत्री पाखक लिखित आकार दि जाइए प्राथमिक सदस्य पदर जेहेतु विजु जनता दल रे सदस्य बहिष्कृत कराई विधायक सौभिक विश्वास। गत 6 मास धरी लोके बेन भाव रही आसुले भी कहीं सीएमसी नजर पड़ू ना प्रश्न करके तरबरिया भाव सीएमसी अधिकारी लिस्ट लगवा दृश्य दुर्नीतिर गंध स्पष्ट बारी हो तीन महला विशिष्ट यह 4 बिल्डिंग में 192 क्वार्टर्स रही बेले बासहीन को चिन्हट कर 69 जन को सीएमसी घर आवंटन करथिला। तेरे वर्ष वर्ष धरी राजा को पैसा दे घर नहीं लोके एवं केमिति टंका फेरी पाइबे ताकु नहीं चिंता बढ़ी। आज राजा करण घरे चढ़ा बेले 14 लाख टंका सह बहु फर्जरी कागजपत्र जबत करछि पुलिस। जेहेतु तांका विरुद्ध रे सफिशिएंट एविडेंस एस्टाब्लिश हला आज से लोक मान गठो पैसा नहीं तांकु फर्जरी कागज दे डुप्लीकेट कागज दे घर भितर रखी देथिले तेणु तांकु इन्वेस्टिगेशन रे जेतेबेले तांका विरुद्ध रे प्रमाण एस्टाब्लिश हला तांकु काली आमे गिरफ कलु एवं आज तांकु कोर्ट फॉरवर्ड करा जीवो तांकर पाखुरु आमे तांकर सर्च करलु तांकर घर एवं तांकर से जो अंदरपुर इंटीग्रेटेड हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भितर गोटे ऑफिस घर से करथिले सेठू आमे सर्च कलापर 14,90,000 टंका पाइछु एवं इम्पोर्टेंट कागजपत्र मध्ये पाइछु चलु जो कोन कहिबु आपन को कहि भी पारुनु
ଆପଣ ତ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଲେ ସେଠି ଏକ କରିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି କି କାହା ଘରକୁ ବି କେହି ବି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଯାଚିବାର ବି କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଖାଇବା ତ ଛାଡ଼ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେମିତି ଉପାସ ଉପାସରେ ରହିଛୁ, ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଶୋଉଛୁ, ମଶା ବଣରେ ଶୋଉଛୁ। ସେଇ 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 ସାର୍ ନିଜେ କହିଲେ ଏଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହୁଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରେ ଆଣି କହିଲେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରସ୍ଟା ଆଣିଦେଲେ, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ତୁମର ସେଟା ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମର ଅନ୍ଦରପୁରର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି 500 ଟଙ୍କା ଆଣି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଗଲି। ସରକାରୀ ଘରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରି 31 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛି ରାଜା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନାଁରେ 2ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବନି ତ ପୋଲିସ? କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଡମ୍ବକଲା ଖୁଣ୍ଟାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ହଠାତ୍ କରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳ। କଲାକୁଣ୍ଟାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଲାଗି ଲଗାଇଥିଲେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର। ଆଉ ସେ ପୋଷ୍ଟରର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ, ସେ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମୋହନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ CRPF ଆଉ ପୁଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବି ରହିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ଶତ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ। February 7ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। January 10ରୁ February 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ VC ମାମଲା ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଓ ଫିଜିକାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାଗଦେବୀ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୀମିତ ଛାତ୍ରରେ ପୂଜାକୁ ଅନୁମତି, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଇନି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ନାହିଁ ସେଭଳି ଉତ୍ସାହ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି କେବଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ଘରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସକାଳୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ନଥିଲା ଆମର ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମେ
ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଅଳ୍ପକେ ହଉ ପଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। माघ मास शुक्लपक्ष पंचमी तिथि विद्यार अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती पूरापल्ली आरंभ कर शिक्षानुष्ठान और कार्यालयगुड़िकर पूजार्चना कराए। हिंदू धर्म में सरस्वती ज्ञानर देवी अभिहित कराए। से ज्ञान बुद्धि बेक विद्यार उत्स प्रकाश रूप माँ का आशीर्वाद प्राप्ति निम्ते विद्यार्थी पुस्तक व कलम माँ का निकट रखी पूजा कर अर्चना आम विद्यालय गोटे स्वतंत्र रही सरस्वती शिशु मंदिर यूनिट 8 रहा प्रत वर्ष करथर तो बेस पिला ना कि अर्चना कार्यक्रम को बजाय रखीचु पे फटो आने भोग राग दीप दीप निजे मंत्र उच्चारण कर गोटे पूजा को सुंदर भाव में उपायन करेंगे। ये अर्चनार मूल मंत्र से शिखे जानवे आम संस्कार संस्कृति ये ऐतिह्य को आम बजाय रखीचु। सरस्वती हाथ में बीणा धरिथिबारु तांकर अन्य नाम बीणापाणी। एही दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथयात्रा निमन्ते रथ काठ अनुकूल हुए। भुवनेश्वर कविता स्वईं सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। शिशुपालगढ़ गंगोत्री नगर ठार भव्य शिव माता अन्नपूर्णा मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित हो जाए। मंदिर प्रतिष्ठा करने 14 वर्ष समय लगे। मंदिर कारुकार्य खूब सुंदर हो स्थानीय बासिंदा और रवींद्र कुमार पात्र सहायतार यह मंदिर निर्माण कर बहुत दिन इच्छा था गोटे भव्य शिव मंदिर और माना माता अन्नपूर्णा मंदिर या लगी एवं ये मंदिर करने मत 14 वर्ष लगला ग्रामवासी साहय समस्त आशीर्वाद आज भव्य शिव मंदिर आपण उपस्थित अच्छी यही मंदिर पर समस्त दान दक्षिणा एवं समस्त पारिश्रमिक मूल्य बहुत अच्छी। आम बड़ भाई रवि रवींद्र पात्र सी मैंने मत एम मंदिर करवा ईर आरंभ कर किसी दिन पर मत पचार अरे पिंटू आउ कौन करवा गोटे मंदिर करुच्ची मंदिर केमी कौन सब ठाकुर विग्रह हम कौन हम मत एम अचानक दिन डाकि आसी मंदिर को आसिक मोर देखी थी मत कही शिवलिंग हम आर अन्नपूर्णा मूर्ति विग्रह हम आ मुख्य द्वार दरवाजा तैयारी हम आम आपको नहीं जाऊँ। हैदराबाद में आज स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी उद्घाटन जो थे कि रामानुजन 216 फुट उच्चता विशिष्ट मूर्ति अनावरण कार्यक्रम अनुष्ठित हो वैदिक दार्शनिक समाज सुधारक भाव संस्था बांटुले समानतार संदेश तेणु यह स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी कहुच्छी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही उद्घाटन कार्यक्रम जोगद देखुं तार सीधा चित्र ये हैदराबाद रे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जहाँ कि रामानुजन मूर्ति तार अनावरण करा जीवा जोठी कि प्रधानमंत्री समेत बहु साधु संत जोग देउछंती। संत रामानुजाचार्य और मोक्ष परम लोक गमन की जगह बंधन से मुक्ति अज्ञान से मुक्ति। शंकराचार्य ने अज्ञान से मुक्ति को मोक्ष कहा, इन्होंने बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा। और बंधन से मुक्ति जो है जो सांसारिक बंधन है जो सांसारिक कर्म है जो सांसारिक उपाय हैं उनसे मुक्ति पाते हुए व्यक्ति को जब मोक्ष मिलता है तो मोक्ष के जो रूप होते हैं सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप्य ये अलग अलग रूप रहे जबकि व्यक्ति जीव जो है वो अपने को परमात्मा जो परम अंश है जो अविनाशी है उसका अपने को अंश मानता हुआ जैसे जल समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है और मिल जाती है इस स्तर का मोक्ष क्या प्रतिपादन रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्टाद्वैत मत के अंतर्गत किया। और अगर देखें तो हमारी संस्कृति भी ये कहती है और ये दार्शनिक पक्ष रहा। सामाजिक पक्ष सबसे बड़ा जो रहा वो सामाजिक पक्ष यह है कि रामानुजाचार्य ने अपने मत के जरिए दक्षिण भारत उत्तर भारत में आज के 1000 साल पहले ऐसी सामाजिक कुरीतियां भी थी तब समाज के अनेक वर्गों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस अधिकार के लिए क्रांति दूत के रूप में रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने
एक कथा इनसे संदर्भित ये है कि जब गुरु ने इनको गुरु मंत्र दिया, नमो नारायण का महामंत्र दिया, अष्ट मंत्र उन्होंने दिया, अष्टाक्षरी मंत्र दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गुप्त रखें और इसको व्यक्त ना करें और यही आपके मोक्ष और बंधन मुक्ति का कारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं इसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए, कार्यांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे जो कि 216 फीट ऊंची है और दिव्य धाम। ओम भू स्वाहादम ओम भुव स्वाहा वायुभेदम ओम शुभ स्वाहा सूर्याहेदम ओम भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापत गहिदम ओम अदिदेन्वमग्गुस्था हनुमतेन्वमग्गुस्था सरस्वतेन्वमग्गुस्था प्रासावीः प्राणानाशम्यः ओम पूर्वोक्तये वंगुन विशेषण विशिष्टादाम अस्याम शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलांडकोटि ब्रह्मांड नारकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुंबिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य ब्रह्मादि सकल मुनिजन संसेविदस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामचंद्रस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणां उभग वेदांत प्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदंडिचिन श्रीमन्नारागण रामानुजय्यर स्वामि श्रीचरणानां मंगलाशासन पूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वसंवत्समृद्ध्यर्थं सर्वामघनिवारणार्थं अस्मिन् प्रान्ते निवासिनां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थम् आचार्य कैङ्कर्य रूपेण संकल्पित अष्टोत्तरशत दिव्य देश दत्त भगवन्मूर्तिगत श्री भगवद्रामानुज सुवर्णमूर्ति प्रतिष्ठापूर्वक श्री भगवद्रामानुज समदामूर्ति स्फूर्ति केन्द्र नामक समारोह शुभारंभ महोत्सव प्रयुक्त द्वादशाह्निका द्वादशेष्टि सहित अष्टाक्षरी मंत्रकोटि हवन पूर्वक पंचत्रिंशदुत्तर सहस्रकुंडात्मक श्रीलक्ष्मीनारायण महायाग कर्मणि यद्यत्रजिगितसजाजङ्काले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकलदेवता तृप्त्यर्थं पूर्णाहुति होमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम अदिदेनु मन्यस्व अनुमदेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसविध प्रसुभ पूर्णाहुति द्रव्यमभ्यर्चयेत्। तो आपण देखुला हैदराबाद संत रामानुजाचार्य 216 फुट उच्चर भव्य प्रतिमार अनावरण जो कार्यक्रम में जोग देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो समय होइछि बरबाटी धूली एक्सप्रेस खबर जात्रा कोइठ रखा। नमस्कार।